नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने जिले का दौरा कर एकजुट होकर काम करने की एक पहल भी की है, साथ ही साथ अपने दौरे पर एकजुट होकर काम करने को लेकर अपनी पहली प्राथमिकता भी बताई है। भरोसा है वही बात, चुनौती की तो चुनौती तो हर अच्छे काम में आती है, चुनौती को अगर पार कर लिया तो उसमें सफल होगा। इसको तो समझ लो कि अपना जो अपन लक्ष्य चाह रहे हैं लक्ष्य हो रहा है। बाकी इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का तंत्र है, इतने सारे कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो झाबुआ जिले में भी पार्टी बहुत से कार्यकर्ता है इस पार्टी में, तो उनके बल, उनके सहकार, उनके सहयोग, वरिष्ठों के मार्गदर्शन इसे पार्टी को मजबूत करने करने के लिए मुझे पार्टी में भरोसा किया है, इसमें खड़ा उतरने की कोशिश करूँगी। भारतीय जनता पार्टी के नवीन थांगला जिला झाबुआ के जिलाध्यक्ष और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले लक्ष्मण नायक को जिले का अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं। नियुक्ति के बाद लक्ष्मण नायक ने जिलों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली। इस बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एकजुट एक साथ काम करने के लिए हमें सबको साथ साथ रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करूंगा, किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं होने दूंगा, जिले में कुछ गुटबाजी है तो उसे भी जल्द ही दूर करूंगा, एक साथ खड़े रहकर पार्टी को शक्ति प्रदान करना मेरा पहला लक्ष्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भंसाली भाजपा के बड़े नेता हैं, नया चेहरा भाजपा के लिए जो जिला अध्यक्ष के नायक के रूप में लक्ष्मण सिंह जी नायक को चयनित किया है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने? ये नया चेहरा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितना कार्यकर्ता है उनके लिए तो ये जड़ है, और ये हम सब कार्यकर्ता इन्हीं की वजह से बने हैं, और हमारे ये बहुत पुराने हैं, हमारे घर जैसे हैं, और बहुत बढ़िया काम होगा। हर कार्यकर्ता पूरा अपना कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। यहाँ पर गांव में संघ को ज़्यादा लोग नहीं पहचानते थे, लक्ष्मण सिंह नायक और हम सब गांव-गांव में जिस प्रकार संघ को पहचान जो हुई है, और संघ के कार्यकर्ता के नाते जैसी संघ की मंशा है हर गांव में हमारा काम पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी भी उसी नीति से काम करके पूरे जिले में ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, सबका साथ सबका विकास इस उद्देश्य को लेकर चलेगी। साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे आप घेरे गए जिला अध्यक्ष जी नए व्यक्ति के रूप में यूँ बता रहे हैं आप, लेकिन वो